संसद के बजट सत्र का दूसरा दिन आज फिर हंगामे का आसार। विपक्ष अडानी मामले पर जेपीसी की मांग को लेकर अड़ा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। सोमवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। पहले दिन सत्ता पक्ष ने जहां लंदन में राहुल गांधी के बयान को लेकर माफी की मांग की, वहीं विपक्ष ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी की मांग को लेकर सरकार को घेरा। हालांकि हंगामे के बाद दोनों सदनों को आज सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार संसद नहीं चलाना चाहती। क्या अभी ऐसा देखा गया है कि सत्ताधारी दल के सभी सदस्य संसद को रोकने के लिए हंगामा करते हों? राहुल गांधी को माफी क्यों मांगनी चाहिए? इसकी बजाय उन्हें केंद्र को माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्यसभा में 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांगे पेश करेंगी। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसदों ने सत्र शुरू होने से पहले मंगलवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी और तेलंगाना की सीएम की पार्टी बीआरएस ने भी अडानी हिंडनबर्ग मामले में जेपीसी की मांग को लेकर संसद के मुख्य दरवाजे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार अडानी मुद्दे पर जांच से भाग रही है, हमारी बात नहीं सुनी जाती, लेकिन हम विक्रम बेताल की तरह पीछा नहीं छोड़ेंगे। विपक्ष नेता अडानी मुद्दे पर वेल में आ गए और जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा करने लगे। हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों को मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।